ही ऑल डियर स्टूडेंट, मोस्ट वेलकम ऑल ऑफ यू इन मेडिकल फल्सनेट चैनल। तो ऑल डियर स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे यूपी बीएससी नर्सिंग, यूपी बीएससी नर्सिंग 2024 के एंट्रेंस एग्ज़ाम के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पेपर के बारे में। तो यहाँ पे जो है आज हम लोग जो है जूलॉजी सेक्शन से जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आए थे प्रीवियस ईयर एंट्रेंस एग्ज़ाम में, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। हम लोग जो है बॉटनी के जो बॉटनी सेक्शन के क्वेश्चन थे, केमिस्ट्री का था, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स और फिजिक्स के जो क्वेश्चन थे उसको हमने डिस्कस कर लिया है। अगर आप लोग को और क्वेश्चन देखने होंगे, प्रीवियस ईयर और एंट्रेंस एग्ज़ाम क्वेश्चन पेपर देखना होगा, तो आप लोग चैनल के वीडियो वाले लिस्ट में जाइएगा, वहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। जब वीडियो वाले लिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पे ढेर सारी वीडियोज आपको दिखाई देंगे, तो वहाँ पे जाके आप लोग क्लिक करके देख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हिच पेयर इज टायरोसिन डेरिवेटिव, कौन सी जोड़ी टायरोसिन व्युत्पन्न है, कैल्सीटोनिन एंड इंसुलिन, FSH NGH, थायरोक्सिन एंड एड्रीनेलिन, इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन। तो FSH NGH का पूरा नाम जो हो जाएगा वह हो जाएगा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। FSH का नाम जो है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एंड GH का जो पूरा नाम हो जाएगा वह हो जाएगा ग्रोथ हार्मोन। तो इसमें जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वह हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर सी वाला, जो थायरोक्सिन और एड्रीनेलिन है, यही दोनों जो है टायरोसिन व्युत्पन्न, मतलब टायरोसिन डेरिवेटिव है, टायरोसिन से मिलकर बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ए मैन सडनली सी ए टाइगर, हिज हार्ट बीट गोज अप, ब्लड प्रेशर इंक्रीजेज, व्हिच हार्मोन इज रिलीज्ड एट दिस टाइम इन हिज बॉडी। एक व्यक्ति है जो कि अचानक जो है एक टाइगर को क्या कर रहा है, देख रहा है, तो उसका हार्ट बीट जो है, ब्लड प्रेशर जो है, बीपी जो है क्या हो जा रहा है, इंक्रीज हो जा रहा है। उसके शरीर में उस वक्त कौन सा हार्मोन बढ़ जाता है, तो उस टाइम जो है ह्यूमन के बॉडी में किस हार्मोन का जो अमाउंट है सिक्रीशन हुआ जो है अधिक हो जा रहा है, ज़्यादा हो जा रहा है, कार्टिकॉइड का, पैराथार्मोन का, एड्रेनेलिन का, थायरोक्सिन का। तो जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा वह हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा एड्रेनेलिन। जो एड्रेनेलिन है इसको जो है एपिनेफ्रिन के नाम से भी जाना जाता है, इसका दूसरा नाम जो है एपिनेफ्रिन है। अगर यहाँ पे लिखा होता है नॉर एड्रेनेलिन तो इसको जो है नॉर एपिनेफ्रिन के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एड्रेनेलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ह्यूमन यक्स आर, जो ह्यूमन के यक होते हैं किस टाइप के होते हैं, माइक्रोलेसीथल, मीडियालेसीथल, मैक्रोलेसीथल, मीजोलेसीथल। तो जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा वह हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर जो है ये वाला हो जाएगा माइक्रोलेसीथल। जो ह्यूमन का यग होता है वह जो माइक्रोलेसीथल टाइप का यग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन रिलीज्ड फ्रॉम ओवरी ह्यूमन यग कंटेन, जब ह्यूमन का यग जो है ओवरी से रिलीज होता है तो उसमें किस टाइप के क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं, ओनली वन क्रोमोसोम, 2X क्रोमोसोम, ओनली 1X क्रोमोसोम, और यहाँ पे टी वाला दिया है XY क्रोमोसोम। तो जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा वह हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर सी वाला, जब ह्यूमन का यग जो होता है ओवरी से रिलीज हो रहा है तो ओवरी से जाहिर सी बात है फीमेल में XX होते हैं, तो एक यग से रिलीज होगा फीमेल से, और जो जैसे कि फर्टिलाइजेशन के टाइम जो फीमेल से यग आएगा ह्यूमन से जो वाई आएगा, तो अगर ओवरी रिलीज हो रही तो एक ही एक्स रिलीज हो रहा है, तो जाहिर सी बात है ऑप्शन नंबर सी जो राइट ऑप्शन हो जाएगा 1X क्रोमोसोम। जब ये दोनों मिलते हैं, अगर एक्स वाई मिलता है तो वाई जो कि मेल मतलब मेल होता है चाइल्ड, अगर जो है एक्स एक्स मिलता है तो जो फीमेल पैदा होती हैं, तो इस वजह से जो है एक ही जब रिलीज हो रहा है तो एक्स ही आएगा, और एक्स जो है तो ओनली वन पूछा कि रिलीज होते समय, तो वहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी वाला है 1X क्रोमोसोम, यही जो है राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, ए फादर हैज ब्लड ग्रुप ए बी, फादर का ब्लड ग्रुप ए बी है एंड मदर ओ, द चाइल्ड इज सपोज टू हैव व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड ग्रुप।
पिता का रक्त समूह एबी एवं माता का रक्त समूह ओ है, इनके बच्चों में निम्न में से कौन सा रक्त समूह होने की संभावना है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज ए और बी, सेकेंड इज ए ओनली, थर्ड इज बी और ओ, फोर्थ इज बी ओनली। तो जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा वह हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला ए और बी, उनका जो उनके जो बच्चे होंगे उसमें जो है ए अथवा जो है बी ब्लड ग्रुप जो है प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एंटीजन फॉर ए बी ओ एंड आर एच ब्लड ग्रुप आर प्रेजेंट ऑन, रक्त समूह ए बी ओ और आर एच रक्त समूह के लिए एंटीजन उपस्थित होते हैं। ए बी ओ और आर एच जो ब्लड ग्रुप है उनके लिए जो एंटीजन होता है कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? प्लाज्मा पर, डब्ल्यू बी सी पर, आर बी सी पर, प्लेटलेट पर। तो जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा वह हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर जो है सी वाला, जो रेड ब्लड सेल होता है वहीं पर जो है एंटीजन ए बी ओ और आर एच के लिए जो है प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका, एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका जिससे जो है पेचिस, इंग्लिश में इसे जो है डिसेंट्री पेचिस को इंग्लिश में डिसेंट्री कहते हैं। तो एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका से जो है डिसेंट्री यानी कि पेचिस डिसीज जो है होता है। तो यहाँ पे पूछ रहा है एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका की इन्फेक्टिव स्टेज कौन सी है? बाई न्यूक्लिएट फॉर्म, टेट्रा न्यूक्लिएट फॉर्म, माइन्यूटा फॉर्म, स्पोरोजॉइट फॉर्म। तो जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा वह हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर बी वाला, जो टेट्रा न्यूक्लिएट फॉर्म होता है वही जो एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका का इन्फेक्टिव स्टेज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा कार्सिनोमा इज अ कैंसर ऑफ, कार्सिनोमा जो है किसका कैंसर है? लिम्फोसाइट का, कनेक्टिव टिश्यू का, एरिथ्रोसाइट का, इक्टोडर्म एंड इंडोडर्म का। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा डियर स्टूडेंट वह जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला, जो इक्टोडर्म एंड इंडोडर्म है इसी का जो है कार्सिनोमा कैंसर होता है। इसका जो एग्जाम्पल आ जाएगा जो है तो इसमें आ जाएगा प्रोस्टेट, ब्रेस्ट एंड जो क्लोइका, इन्हीं तीनों में जो कैंसर होता है वह जो है कार्सिनोमा कैंसर होता है, और यह जो इक्टोडर्म एंड इंडोडर्म यहाँ पे जो ऑप्शन होगा वह जो है इक्टोडर्म एंड इंडोडर्म वाला करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ह्यूमोरल इम्यूनिटी इज ड्यू टू, जो ह्यूमोरल इम्यूनिटी होता है वह किसके कारण होता है? टी लिम्फोसाइट के कारण, बी लिम्फोसाइट के कारण, एल लिम्फोसाइट के कारण, पी लिम्फोसाइट के कारण। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वह हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर बी वाला, बी लिम्फोसाइट की वजह से ही जो है ह्यूमोरल इम्यूनिटी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनरली इंसेक्टिसाइड अटैक द, सामान्यतया जो इंसेक्टिसाइड होते हैं वो जो है कहाँ पे अटैक करते हैं? मस्कुलर सिस्टम पर, नर्वस सिस्टम पर, रिस्पायरेटरी सिस्टम पर कि सर्कुलेटरी सिस्टम पर? तो जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा वह हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर बी वाला, नर्वस सिस्टम पर जो है इंसेक्टिसाइड नॉर्मली जो है अटैक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच वन फीचर इज कॉमन टू लीच, कॉकरोच एंड स्कॉर्पियन, यहाँ पे तीन एनिमल दिए हैं मतलब ऑर्गेनिज्म का नेम दिया है और पूछ रहा है कि इन तीनों में कौन सा लक्षण जो है कैरेक्टर कॉमन है। तो फर्स्ट यहाँ पे दिया है नेफ्रीडिया की उपस्थिति, सेकेंड है वेंट्रल नर्व कॉर्ड की उपस्थिति, सी है सिफिलाइजेशन, डी है एंटनी। तो जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा वह हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर बी वाला, वेंट्रल नर्व कॉर्ड जो होता है इन तीनों में जो है प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सम बैक्टीरिया आर एबल टू ग्रो इन स्टेप्टोमाइसिन कंटेनिंग मीडियम ड्यू टू, कुछ बैक्टीरिया जो है स्टेप्टोमाइसिन के मीडियम में ग्रो कर सकते हैं मतलब वृद्धि कर सकते हैं, किसके कारण कर सकते हैं? जेनेटिक ड्रिफ्ट के कारण, नेचुरल सिलेक्शन के कारण, इंड्यूस्ड म्यूटेशन के कारण कि रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन के कारण? इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वह हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर बी वाला, नेचुरल सिलेक्शन के कारण ही वह जो है स्टेप्टोमाइसिन मीडियम में ग्रो कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच वन इज अ फंगल डिसीज इन पोल्ट्री, पोल्ट्री की फंगल डिसीज है फाउल पॉक्स, थ्रस, रानीखेत, पुलोरम। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वह हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर ए वाला, जो फाउल पॉक्स है वह जो है पोल्ट्री की फंगल डिसीज होती है, कवक रोग होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच परसेंट ऑफ एयर इज एक्सपायर्ड, कितने प्रतिशत वायु एक्सपायर्ड होती है। तो अगर आप लोग इस क्वेश्चन को गूगल पर सर्च करते हैं तो वहाँ पे अलग अलग अमाउंट में देगा, तो इसलिए कंफ्यूज ना होइएगा। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा करेक्टली वह जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो 20 से लेके जो है कहीं कहीं पे जो आपको 20% दिया रहेगा तो आप 20% टिक कीजिएगा, अगर 15% दिया है तो आप 15% ही वाले ऑप्शन को क्लिक कीजिएगा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन राइट हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला 20%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पर्सन हु इज ऑन लॉन्ग हंगर स्ट्राइक, एक व्यक्ति जो कि लंबे समय से भूखे हड़ताल पर है, मतलब खाना नहीं खाया है, एंड इज सर्वाइविंग ओनली ऑन वाटर विल है, तथा केवल पानी पर जीवित है, तो क्या होगा। मोर सोडियम इन हिज यूरिन, लेस एमाइनो एसिड इन हिज यूरिन, मोर ग्लूकोज इन हिज ब्लड, लेस यूरिया इन हिज यूरिन। तो उसके मूत्र में अधिक सोडियम होगा कि उसके मूत्र में कम एमाइनो अम्ल होगा कि उसके मूत्र में जो है रक्त रक्त में जो है अधिक ग्लूकोज होगा कि उसके मूत्र में कम यूरिया होगा। तो जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा वह हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर डी वाला, लेस यूरिया इन हिज यूरिन, उसका जो यूरिन होगा उसमें जो यूरिया का कंटेंट जो होगा वह जो है कम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच मसल इज इम्यून टू फैटिग, कौन सी मांसपेशी फैटिग के लिए इम्यून है, स्ट्रिप्ड अनस्ट्रिप्ड कार्डियक वॉलेंट्री। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वह हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर सी वाला, जो कार्डियक मसल जो है वह फैटिग के लिए इम्यून है। कार्डियक मसल जो है कभी रुकती नहीं है, वह हमेशा जो है आपने देखा होगा हार्ट जो है हार्ट वह हमेशा पंपिंग करता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड सेल्स सीक्रेट हिस्टामाइन, निम्न में से कौन सी रक्त कोशिकाएं हिस्टामाइन स्रावित करती हैं, वेसोफिल एसिडोफिल इसनोफिल न्यूट्रोफिल। तो जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा वह हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर बी ए वाला बेसोफिल, जो बेसोफिल होता है वही जो है हिस्टामाइन को सिक्रीट करता है, हिस्टामाइन जो है एक एलर्जिक एजेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज मल्टी न्यूक्लिएटेड, तो डियर स्टूडेंट इसमें जो राइट ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला बेसोफिल। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम लोग का, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज मल्टी न्यूक्लिएटेड, निम्न में से कौन सा बहुकेंद्रकीय है, रीनल टिशू स्टेटेड मसल नर्वस टिशू नॉन स्टेटेड मसल। तो जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा वह हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर बी वाला, जो स्टेटेड मसल होता है यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है स्टेटेड मसल वही जो है मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है, उसमें जो न्यूक्लियस की जो मतलब अमाउंट होती है मात्रा जो होती है बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कूपर सेल्स आर इन्वॉल्व इन, कूपर कोशिकाएं शामिल होती हैं फैगोसाइटोसिस फंक्शन में, टॉक्सिन सिक्रीशन के फंक्शन में, एंजाइम सिंथेसिस में, सेंसरी एक्टिविटी में। तो जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा वह हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर ये वाला, जो फैगोसाइटोसिस का फंक्शन होता है वह जो है कूपर कोशिकाओं का मेन कार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, इकोलाई से प्रेरित रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ECORI DNA को निम्न में से कहाँ से क्लीप कर सकता है, क्लीप का मतलब काट, कहाँ से काट कर सकता है उसको। तो यहाँ पे पूछा है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ECORI फ्रॉम इकोलाई, इकोलाई से जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ECORI है वह जो है एक्सपेक्टेड टू क्लीप DNA एट फॉलोइंग सिक्वेंस, वह जो DNA को किस साइट पर क्लीप कर सकता है, कट कर सकता है। यहाँ पे दिया है AAGTTC, GAATTC, AAGCTT, TATAGC। तो यहाँ पे ए का मतलब जो है एडनिन है, जी का मतलब गोआनिन है, सी का मतलब साइटोसिन है, और थी का मतलब जो है टी का मतलब थायमिन है। तो यहाँ पे अलग अलग बेस पेयर दिया है, तो पूछ रहा है कि DNA के किस बेस पेयर पर जो है इकोलाई से जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम ECORI ऑप्टेंड हुआ वह DNA के किस साइट पर क्लीव करेगा, उसे कट कर सकता है। तो जैसा कि पता है DNA में जो है एडनिन के साथ क्या होता है, थायमिन होता है, RNA में जो है एडनिन के साथ जो यूरेसिल होता है। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का वह हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर बी वाला, जो यहाँ पे लिखा गार्ड TC आप लोग याद कर सकते हैं, गार्ड TC वाला जो ऑप्शन है वही हम लोग का राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, ह्यूमन पॉपुलेशन फॉलो, मनुष्य की जनसंख्या फॉलो करती है, जेड शेप्ड पॉपुलेशन ग्रोथ, जे शेप्ड पॉपुलेशन ग्रोथ, जेड शेप्ड पॉपुलेशन ग्रोथ, यस शेप्ड पॉपुलेशन ग्रोथ, ऑल ऑफ द एबव। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वह हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला, जे शेप्ड
जनसंख्या वृद्धि का जो है रूप लेती है, मतलब ग्रोथ जो है जो होता है वह जो जे शेप्ड का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन ऑफ व्हिटेकर इज मेनली बेस्ड ऑन। फाइव किंगडम वर्गीकरण व्हिटेकर द्वारा किस पर आधारित है? न्यूक्लियस पर, सेल स्ट्रक्चर पर, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेन्स। तो अगर यह एग्जाम में कभी पुटअप किया, कभी भी पुटअप किया जाता है, तो आप लोग यह ध्यान में रखिएगा कि जो व्हिटेकर के द्वारा फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन दिया गया था, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, तो वह जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन पर ही बेस्ड होता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा सी वाला, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से क्या सही है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। मेजोडर्म प्रोड्यूस ब्रेन, मेजोडर्म से मस्तिष्क बनता है, इक्टोडर्म प्रोड्यूस लीवर, इक्टोडर्म से एकृत बनता है, मेजोडर्म प्रोड्यूसेस स्केलेटन, मेजोडर्म से कंकाल बनता है, इंडोडर्म प्रोड्यूसेस हार्ट, इंडोडर्म से हृदय बनता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वह हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर सी वाला, जो मेजोडर्म है उससे जो है स्केलेटन का प्रोडक्शन होता है, मतलब जो निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूक्लियो प्रोटीन रेशियो इंक्रीजेज ड्यूरिंग। न्यूक्लियो प्रोटीन का अनुपात कब बढ़ता है? फेज ऑफ ऑन्ड हीलिंग, डिफ्रेंसिएशन के दौरान, फेज ऑफ ब्लास्टेमा फॉर्मेशन, फेज ऑफ रीडिफ्रेंसिएशन। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला, फेज ऑफ रीडिफ्रेंसिएशन के टाइम जो है जो न्यूक्लियो प्रोटीन का रेशियो होता है वह जो इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, डियर स्टूडेंट, द नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड पेयर इन अ कंप्लीट पिच ऑफ जेड डी एन ए इज। जेड डी एन ए की कंप्लीट पिच में कितने जोड़ी न्यूक्लियोटाइड होते हैं? 10। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज अ 10, सेकेंड इज अ 11, थर्ड इज अ 12, डी ऑप्शन जो है 12.5। तो जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा वह हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर सी वाला, 12। जो 12 है वह जो जेड डी एन ए की कंप्लीट पिच में न्यूक्लियोटाइड, मतलब 12 जो है न्यूक्लियोटाइड, 12 जोड़ी न्यूक्लियोटाइड पेयर जो है, 12 पेयर जो है न्यूक्लियोटाइड जो है जेड डी एन ए के कंप्लीट पिच में प्रेजेंट होते हैं। तो अगर आप लोग को यह क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल मेडिकल पल्स नीट के लिंक को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके ज्वाइन कर लीजिएगा और इसको प्राप्त कर लीजिएगा। इसके बाद अच्छे से रीड करिएगा, अपना एग्ज़ाम दीजिएगा। तो अगर आपको एग्ज़ाम रिलेटेड या सब्जेक्ट रिलेटेड या फिर क्वेश्चन पेपर या फिर एंट्रेंस एग्जाम रिलेटेड कोई भी डाउट होगा तो आप वीडियो में कमेंट कीजिएगा, हम आपके डाउट को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, डियर स्टूडेंट।